नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। रविवार शाम को हुई बीजेपी सियासी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग चुकी है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर से पुराने चेहरों पर दांव लगाया है, जिनके नाम का ऐलान दूसरी सूची में किया जाएगा। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी की ओर से जारी पहली सूची में कुल 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। इनमें 16 नए उम्मीदवार थे, लेकिन अब जो दूसरी लिस्ट आने वाली है उनमें पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताने की तैयारी चल रही है। हालांकि सर्व समाज को साथ लेने के लिए बीजेपी की ओर से दूसरी सूची में कुछ नए प्रयोग किए जाने की भी संभावना बनी है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट में कुल 29 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए 10 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा हुई है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के भिंड से राहुल कुशवाहा, भोपाल उत्तर से मोहम्मद सूद, नरेला से रईसा बेगम मलिक और दमोह से चाहत मंडी पांडे को मैदान में उतारा है। वहीं शिवपुरी से अनूप गोयल, इंदौर से अनुराग यादव, इंदौर 4 से पीयूष जोशी बरगी और आनंद सिंह को पटना, और पाटन से विजय मोहन पालहा को उतारा गया है। वही सीधी सीट से बताया जा रहा है कि आनंद मंगल सिंह और बिजवार से अमित भटनागर को टिकट दिया गया है। बिहार में नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस पर सियासी तूफान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से इस मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर आबादी के हिसाब से हक की बात हो रही है, तो क्या फिर सबसे ज्यादा आबादी वाले हिंदू आगे बढ़कर अपना हक ले। पीएम मोदी ने इसके साथ ही ये कहा कि क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक कम करना चाहती है? अगर आबादी के हिसाब से तय होगा तो पहला हक किसका होगा? पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर तबाह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे लिए गरीब सबसे बड़ी आबादी है, मेरे लिए गरीब सबसे बड़ी जाति है। मानेंद्रगढ़ के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के जन्मदिन पर बार बालाओं से जमकर ठुमके लगवाए गए। साथ ही पूरी रात गांव में अश्लील डांस का भी नजारा देखने को मिला। बार बालाओं पर पैसे लुटाते हुए पूर्व विधायक के समर्थन भी मंच पर डांस करते हुए नजर आए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर MCB जिले के मानेंद्रगढ़ विधानसभा चुनाव से भाजपा के प्रबल दावेदार हैं श्याम बिहारी जायसवाल, जिनके जन्मदिवस पर ये अश्लील डांस का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।